State Transport Minister Diwakar Raote launched a new logo for the state buses with the words Jai Maharashtra in Mumbai on Friday. Throwing light on the event, Maharashtra's State Transport Buses General Manager Vinod Ratan Parkhi said, "People of Maharashtra share a very close relationship with ST buses. They commute in the buses on a daily basis, and that is why they have most Jai Maharashtra locals greeting with the ST buses." बात के तहत नहीं, लेकिन इसकी महामंडल के जो अध्यक्ष महोदय हैं और परिवहन मंत्री जी हैं श्री दिवाकर जी रावते जी, हमारा कल 1 जून महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल का वर्धापन दिवस रहता है और उस दिन में ये जो महाराष्ट्र की जो बसेस है वो आम जनता का बहुत ही नजदीक का रिश्ता इसकी बसेस के साथ आते हैं, क्योंकि वो रोज मरतबा अगर ट्रैवल करते हैं तो इसकी बसेस आते हैं और वो एक कुटुंब का घटक हो गया है। और जय महाराष्ट्र जो ये सर्वसाधारण पूरे महाराष्ट्र में अभिवादन का एक माध्यम है, तो ये हमारी इसकी बस और ये जय महाराष्ट्र का जो अभिवादन का माध्यम है दोनों को जोड़ा गया है और वो हिसाब से हमारे जो महाराष्ट्र मंडल का बहुत चिन्ह था उसमें ये मर्ज करके 1 जून को उसका परिवहन मंत्री के हस्ते उद्घाटन हुआ, अनावरण हुआ और इसके बाद में हमारी जो 18,600 बसेस है उसमें हर बस के ऊपर में ये लोगों में अभी यही नया लोगो दिखाई देगा। जिस प्रकार से प्रोवोकेटिव मतलब स्टंट लिया था मतलब प्राइम मिनिस्टर की वहाँ पे जो है तो उसके तहत प्रोवोकेशन हुआ है, पर हमारे तरफ से ये कोई हम नकारात्मक या कोई उसमें प्रत्युत्तर का सवाल नहीं है। हमने एक हमारे जो बस के माध्यम से कोई रेसिप्रोकल एग्रीमेंट है हमारा कर्नाटक और महाराष्ट्र का, जिसके तहत उनकी बसेस हमारे यहाँ आती है और हमारी बसेस वहाँ जाती है जी, तो ये एक में को जोड़ने का काम हम करते हैं। जो भी मतलब प्रवासी ये है वहाँ के हमारे यहाँ के हमारे उनके यहाँ जाते हैं तो हम जोड़ने का काम करते हैं और वो जो है विघा तक जो घोषणा हुई थी उसका हमको कोई लेना देना नहीं है इस। However, a few days ago, Karnataka's Urban Development Minister Roshan, Baig had said that posts of anyone who chants Jai Maharashtra will be taken away, and Maharashtra Chief Minister Devendra, Fadnavis later condemned the statement.